समेली में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए 6,500 फीट तक नाले का निर्माण कराया जाएगा। समेली में जल जमाव की समस्याओं से निजात पाने के लिए जल निकासी एवं निर्माण कार्य को लेकर प्रखंड मुख्यालय परिसर में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख अनुकंपा कुमारी ने की। वहीं बैठक में बरारी विधायक विजय सिंह, BDO सत्येंद्र सिंह, प्रमुख MLC प्रतिनिधि संतोष कुमार पप्पू, जिला परिषद प्रतिनिधि रोशन कुमार मंडल, उप प्रमुख कंचन देवी, मुखिया राजीव कुमार मंडल, राजेश कुमार मंडल, मनीष ठाकुर सरपंच, मनोज पटेल समिति प्रतिनिधि, सुमन शर्मा, पंकज कुमार विधायक प्रतिनिधि, भोला प्रसाद मंडल, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राधेश्याम मंडल, सुनील कुमार शर्मा, पंकज सिंह आदि की गरिमान्य उपस्थिति रही। उक्त बैठक में चांदनी चौक, हॉस्पिटल चौक, समेली हटिया रोड एवं भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा तक जाने वाली सड़कों में नाला निर्माण को लेकर विचार विमर्श किया गया। उक्त सड़कें 3 पंचायत में विभक्त हैं। बैठक में सभी के सहमति से एक टेक्निकल टीम की गठन करने की बात कही। इसमें प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुराने नालों का क्या उचित है, काम करने लायक है या नहीं, तथा नए नाला का लेवल क्या होना चाहिए, इस पर मंथन की जाएगी। आपको बता दें कि समेली प्रखंड क्षेत्र के सबसे ज्वलंत मुद्दे जल निकासी को लेकर हमेशा जनाक्रोश रहा है। दशकों से नाला निर्माण व जल निकासी की मांग जनप्रतिनिधि सहित पूरे समेली वासियों की रही है। इस मुद्दे को लेकर बरारी विधायक विजय सिंह के ठोस पहल से मांग पूरी होती दिख रही है। बरारी विधायक विजय सिंह ने बताया कि समेली वासी को जल जमाव की समस्याओं से जल्द निजात मिलेगी। इसको लेकर स्थल पैमाइश कर ली गई है। लगभग 6,500 फीट नाले का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें करीब 2 करोड़ की लागत आएगी। वहीं BDO सत्येंद्र सिंह ने बताया कि जल जमाव की जन समस्याओं को देखते हुए विधायक, जनप्रतिनिधि एवं जनपदाधिकारियों की बैठक की गई। राशि की उपलब्धता नहीं रहने की वजह से विभिन्न मदों के फंड एकत्रित करके नाला निर्माण कराया जाएगा। जल जमाव से राहत मिल पाएगी। मनरेगा PO दीपक कुमार सिंह, BPRO मोहम्मद हासिम व जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं समाज सेवी मौजूद थे।